की सभा में उपस्थित आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, डॉक्टर श्री डहरिया जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, अमरजीत भगत जी, उमेश पटेल जी, हमारे सभी मंत्रीगण, विधायक साथी, आदरणीय चिंतामणि महाराज, बृहस्पत सिंह जी, प्रीतम राम जी, बालकृष्ण पाठक जी, गुरप्रीत बामरा जी, सफी अहमद जी, अब अजय बहुत है, अजय अग्रवाल जी, अजय तिर्की जी, अजय बंसल जी, मधु सिंह जी, राम गोपाल अग्रवाल जी, राकेश गुप्ता जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, पंच सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, साथ ही नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के सभी पार्षद, अध्यक्ष और सभी साथीगण, सभी हमारे संगठन से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, अधिकारीगण और साथ ही पत्रकार साथियों, कल से अंबिकापुर में हूं। बहुत सारे सामाजिक संगठनों से मैंने भेंट की, बहुत सारे हमारे राजनीतिक संगठन के साथियों से भी मेरी मुलाकात हुई। कोरोना के कारण से सामाजिक सरोकार करीब करीब बंद सा हो गया था, हम लोग निकल नहीं पा रहे थे। ऐसे में बड़े अंतराल के बाद साथियों से मिलना, दिल को सुकून देता है। बहुत दिनों बाद सभी जिलों में जाकर साथियों से मुलाकात करना, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करना, हमारे अधिकारी कर्मचारी है उनसे मुलाकात करना, जमीनी स्तर की जो बात है, समस्या है, उसकी जानकारी लेना, शासकीय योजनाओं के बारे में जानना, और जब से मैं सरगुजा संभाग की यात्रा मैंने की, गौठान भी जा रहा हूं, धान खरीदी केंद्र भी जा रहा हूं, और भी हमारे जो अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल खोले गए हैं वहां भी लगातार मैं जा रहा हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहां धान खरीदी में कोई अव्यवस्था हो। पूरे प्रदेश में जो धान खरीदी की व्यवस्था की गई है, आज 2300 सोसाइटियों के माध्यम से, धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी किया जा रहा है। दूरियां कम हो गई है, किसानों की जो भीड़ है, गाड़ियों की जो भीड़ है, उसमें कमी आ गई है। बहुत ही सहज रूप से, सरलता से किसान अपना धान बेच पा रहे हैं। ये मेरे लिए संतोष का विषय है। बारदाना उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य, भाई अमरजीत ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। भारत सरकार बारदाना उपलब्ध नहीं करा रही थी, ऐसे समय में जहां राइस मिलर्स हैं, जहां हमारे पीडीएस साफ हैं, वहां से बारदाना एकत्रित करके बारदाना की समस्या दूर की है। इसके लिए भाई अमरजीत को मैं बधाई देता हूं। सोसाइटियों में निश्चित रूप से जो जितने भी पहले धान संग्रहण केंद्र थे सबको सोसाइटी बना दिए, इसलिए डॉक्टर प्रेम साय सिंह को भी बधाई देता हूं कि अब किसान अब ज्यादा दूर खाद बीज के लिए भटकेंगे नहीं, बल्कि उनका काम आसान होगा। अभी कोरोना काल में आपने देखा किस प्रकार से कोरोना के संकट विश्वव्यापी तौर पे पूरे देश दुनिया के लोग उससे जूझ रहे हैं। हमारा देश भी अछूता नहीं, हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं है, और हम सब लोगों ने मिलकर इस कोरोना काल में जो लड़ाइयां लड़ी है, जिसमें आम जनता की भागीदारी, सामाजिक संगठनों की भागीदारी,
एनजीओ की भागीदारी, हमारे अधिकारी कर्मचारियों की भागीदारी, हमारे विधायक साथियों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी, इस सब का साथ लेते हुए इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, जब तक कि कोरोना समाप्त नहीं होगा तब तक लड़ाई जारी रहेगा। लेकिन इस बीच में जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, कोई आदमी आ नहीं सकता, कोई आदमी जा नहीं सकता, रोजगार सबका छूट गया, गाड़ियां बंद है। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि सबके घर में अनाज पहुंचना चाहिए और देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है जिन्होंने कहा कि निर्णय लिए हम लोग कि हर घर में 3 महीने का चावल मुफ्त में पहुंचना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे साथी भाई अमरजीत जी ने बस्तर के नक्सली प्रभावित क्षेत्र में भी अंतिम छोर के अंतिम घर तक के भी चावल पहुंचाने में वो सफल रहे, इसलिए भाई अमरजीत की मैं बधाई उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आदरणीय साथियों, जिस समय कोरोना के कारण से कोई एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, किसी से बात करना मुश्किल हो गया था, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी डॉक्टर नर्स स्टाफ सारे लोग अपने जान जोखिम में डालकर जो सेवाएं दी है छत्तीसगढ़ की जनता को वो अद्वितीय है। और उसके नेतृत्वकर्ता आदरणीय महाराज सरगुजा है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस काम को बखूबी अंजाम दिया, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। शहरी क्षेत्र में किस प्रकार सबसे ज्यादा तो शहरी क्षेत्र में परेशानी थी, आज भी आंकड़ा निकालेंगे तो गांव में इक्का दुक्का ही कोरोना पीड़ित मिलेगा, लेकिन शहरों में संख्या अधिक, सफाई कर्मचारी से लेकर मॉनिटरिंग करने तक के काम, घर घर में कौन आदमी किसके घर में कोरोना है, वहां हमारे नगरी प्रशासन विभाग के कर्मचारी अधिकारी और उसके मंत्री दिन रात मेहनत करके इस कोरोना की लड़ाई में हम लोग लगातार जूझ रहे हैं। भाई श्री डहरिया जी उस मामले में लगातार काम करते रहे, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। भाई उमेश अग्रवाल जी इस शिक्षा में, दोनों शिक्षा मंत्री बैठे हुए, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह जी, उस शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी, इस समय में कैसे पढ़ाई हो जब कहीं स्कूल नहीं लग पा रहा है, कॉलेज नहीं लग पा रहा है, तो ऑनलाइन पढ़ाई करना, ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना, इस कार्यक्रम में भी हमारे बच्चों का भी कोई नुकसान न हो, इसको ध्यान में रखते हुए लगातार योजनाएं बनाते रहे, क्रियान्वित करते रहे, उसके लिए बधाई देता हूं कि आप दोनों ने भी बहुत जम के काम किया है। और उमेश पटेल को तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, अंबिकापुर वाले ताली बजा के स्वागत करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज जो आपके यूनिवर्सिटी में था उसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में लाने का काम भाई उमेश पटेल ने किया है, मैं उन्हें भी बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मित्रों, आज जब हम लोगों ने, हमारे साथियों ने ऋण माफी की बात कही, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात कही, तो हमारे मजदूर साथी मिले, उन्होंने कहा हमारे लिए आपने क्या किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जहां मनरेगा में 25 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया, वहीं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा दे के, सितंबर तक के मेरे पास आंकड़ा है, 1336 करोड़ रुपया का लाभ प्रत्येक घर के व्यक्ति को मिला है। वो जो बिजली का जो लाभ है वो सबको मिला है। हमारे आदिवासी भाई कहा कि हमारे लिए आपने क्या, किसानों के लिए कर दे, मजदूरों के लिए कर दे, हमारे लिए क्या। 7 वस्तु खरीदी जाती थी लघु अनुपज की, हमारी सरकार ने 52 लघु अनुपज किसान के दर पर खरीदी की जा रही है। महुआ तो 17 रुपया था, भारत सरकार ने घोषित किया 30 रुपये हम खरीदी किए, व्यापारी लोग तो 35 और 40 रुपये में खरीदी किए। आदिवासियों के बीच में
हमने काम किया, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत भी काम हमारा लगातार चल रहा है। कल बलरामपुर में वहां के आदिवासी भाइयों को 80,000 हेक्टेयर का सामुदायिक दावा के पट्टा हमने दिया और आज अंबिकापुर संभागीय मुख्यालय में भी 75,000 हेक्टेयर के सामुदायिक दावे के पट्टे हमने अभी वितरित किया है। ये जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं वो लोग केवल कागज में दिखते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार आपके हित और आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। व्यापारिक संगठन भी जब मुख्यमंत्री बने तो सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किए थे रायपुर में। उन्होंने कहा आपने किसानों के लिए कर दिया, आदिवासियों के लिए कर दिया, मजदूरों के लिए कर दिया, हमारे लिए क्या? मैंने सभी व्यापारी भाइयों से कहा कि आपके लिए मैं सीधा तो कुछ नहीं किया हूं, लेकिन आपके ग्राहक के जेब में पैसा डालने का काम कर दिया, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसान हो। और उसका परिणाम क्या? आज ट्रैक्टर एजेंसी वाले ट्रैक्टर की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, सोना चांदी की बिक्री बढ़ गई है, कपड़े लत्ते इस दीपावली में आपने देखा होगा, चाहे वो जूता हो, चाहे चप्पल हो, चाहे कपड़े के दुकान में सारे स्टॉक खाली हो गए। और यही कारण है कि सितंबर महीने में जीएसटी हमारा 24% था, हम दूसरे स्थान पे थे, अक्टूबर महीने में 26% टैक्स कलेक्शन करके हम देश में सबसे अधिक टैक्स कलेक्शन करने वाले प्रदेश के रूप में सामने आए। यह हमारी अर्थनीति है, हमारे राहुल जी की जो अर्थनीति है उसको हमने लागू किया, जिसका लाभ पूरे प्रदेश के लोगों को मिला है। गोधन न्याय योजना के बहुत मजाक उड़ाते थे, कोई बोलता है चारा घोटाला है, उसे गोबर घोटाला हो जाएगा, गोबर को राज चिन्ह बना देना जाना चाहिए, क्या क्या मजाक नहीं करते थे। आज गोधन न्याय योजना, गांव के गौठान, गांव के महिला समूह जो काम कर रही है, हमारे नौजवान जो काम कर रहे हैं, जाके देखिए 2 रुपया किलो में पूरे देश में कहीं गोबर खरीदी नहीं की जाती, पूरे दुनिया में ही खरीदी की जाती है, छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है। आज सड़कों में गोबर दिखाई नहीं पड़ता, मवेशी घूमते हुए दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि गोबर की कीमत हमने पहचाना है। और आज ये मंच मेरे लिए बहुत ही, ये इतिहास में दर्ज हो गया है, ये सरगुजा का मंच आज एक इतिहास लिख दिया है, मेरे लिए बहुत भावपूर्ण क्षण है। हमने बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े राजनेताओं को, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ एमओयू होते हुए देखा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हुए देखा है, मुख्यमंत्री खड़े रहते हैं, बड़े अधिकारी एक तरफ, दूसरे तरफ किसी उद्योगपति या उद्योगपति के सीईओ वहां खड़े होते हैं, विदेश में जाके एमयू करते हैं, इन्वेस्टर मीट करते हैं उसमें एमयू करते हैं, लेकिन यह सरगुजा का मंच एक इतिहास रचा है कि आज इंडो ग्रीन क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद और बिहान महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सरगुजा, जिसके अध्यक्ष शांति देवी राजवाड़े, उस कंपनी के सीईओ के साथ सीना तान के गर्व के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, उसके सीईओ के साथ हाथ मिला के एमयू किया है। ये वो क्षण है कि हमारे गांव की महिला, जो गरीब महिला है, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, ऐसी महिला भी एक जाने पहचाने कंपनी के सीईओ के साथ एमयू कर रहे हैं, उसे हाथ मिला रहे हैं। इससे बड़ा कोई क्षण हमारे लिए नहीं हो सकता कि हमारे गांव की गरीब महिलाएं भी अब एमयू करने जा रही हैं। अभी तक के कोई मजदूर लोग नहीं करते थे एमयू, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट तैयार किया, गोबर की वर्मी कंपोस्ट, उसकी पैकिंग, कितना खूबसूरत पैकिंग, वो पैकिंग रखे हैं डॉक्टर साहब सामने, इतना बढ़िया पैकिंग, जैसे और उसको पैक करके यहां से सरगुजा से जाएंगे, इसे प्रोडक्ट मध्य प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में जाएंगे और छत्तीसगढ़ और सरगुजा का नाम रोशन करेंगे। आज तिहारों श्रीमती तिहारों दास भाव भावुक हो गई थी और मुझे बेहद खुशी है। इसी प्रकार के आत्मविश्वास हमारी नारी शक्ति में होना चाहिए, नौजवानों में होना चाहिए। लोग रोजगार कहां है 2500 का, अरे जाके देखिए 6000 हमने अभी गौठान बनाए हैं, वहां आपके हर गांव में, उस गांव में अब रूरल इंडस्ट्री पार्क हम लोग बना रहे हैं, कोई मुर्गी पालन कर रहे हैं, कोई वहां मशरूम उगा रहे हैं, कोई अगरबत्ती बना रहे हैं, कोई साबुन बना रहे हैं। ये सारे काम हैं अब जो गांव में जो लोग रह रहे हैं वो प्रोडक्ट निर्माण कर रहे हैं, जिसका लाभ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलेगा। ये गोबर खरीदी केवल गोबर खरीदी नहीं है, बल्कि जैसे हमने किसानों की ऋण माफी की, हमने किसानों को 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदी किया, तो एक साइकिल घूमा, हमारे छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं है। उसी प्रकार से एक गोबर है, गोबर केवल गोबर 2 रुपये किलो के गोबर नहीं है, बल्कि उसके पीछे आप जाएंगे, गोबर आप यदि खरीदते हैं 2 रुपये में, तो हर जो गौपालक है अपने मवेशी को चारा खिलाएगा, क्योंकि बिना चारा के गोबर मवेशी गोबर नहीं देने वाला। अब जब आप चारा खिलाएंगे, गोबर आपको चाहिए, तो मवेशी आप घर में बांध के रखेंगे। अब यही जब गोबर आप इकट्ठा करते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, गो कास्ट बना रहे हैं, गोबर से दिया बना रहे हैं। ये सारे चीज आज तो हमने यहां एक एम्पोरियम भी शुरुआत की है, नगर निगम के द्वारा जो बनाया गया है उसका भी उद्घाटन हमने किया है। वहां गोबर से बहुत सारी चीजें बन रही है, जो विक्रय केंद्र हमने खोला है। इससे और क्या फायदा, हमारी फसल चराई नहीं होगी, फसल बचेगा, हम दूसरी फसल भी ले सकते हैं। और क्या फायदा कि अब जैविक खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई नशा नहीं करते, लेकिन बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। उनका बीपी बढ़ा रहता है, शुगर बढ़ा रहता है, किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट के पर बीमारी है, हाइपरटेंशन है। हमारे खान पान का असर यही पेस्टिसाइड है, यही रासायनिक खाद है, जिसके कारण से हमारी तबीयत हमारी नासाज होती है। यदि हम जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो हमें अनाज, हमारा फल, हमारे सब्जी सारे शुद्ध होंगे, बीमारियों से हम बचेंगे। ये काम हम करने जा रहे हैं। और अब तो हमारे जो जंगल है, जंगल में अभी तक के वन विभाग के लोग इमारती लकड़ी लगाते थे, उसके पेड़ लगाते थे, लेकिन हमने इस साल कह दिया है जितने आप पेड़ लगाएंगे सब फलदार वृक्ष लगाएंगे, चाहे वो आंवला हो, चाहे आम हो, चाहे वो कटहल हो, चाहे आपके सरगुजा में लीची हो, ये सारे जो फलदार वृक्ष है उसको लगाएं। हमारा जंगल है वो फलों से लदा रहे, जंगल के जो जंगली जानवर हैं उसके लिए भोजन हो, जंगल में जो लोग रहे उसके लघु अनुपज के भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, और हम लोग कभी कभार कहीं जंगल घूमने चल दे तो हम लोगों को भी खाने को मिले। तो ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं ताकि हमारे जंगल हरा भरा रहे और सदा सब लोग उसकी सुरक्षा करें। आदरणीय साथियों, समय काफी लंबा हो चुका है, बहुत ज्यादा और न कहते हुए आज 574 करोड़ रुपए के भूमि पूजन और लोकार्पण का काम किया है, आपको बधाई शुभकामना। साथ ही भाई अमरजीत जी ने कुछ मांग रखी है हॉर्टिकल्चर उद्यान के महाविद्यालय खोलने के लिए, अब लगातार जसपुर जिले में भी दे दिया, कोरिया जिले में दे दिया, बलरामपुर जिले में दे दिया, अब सरगुजा में नहीं दूंगा तो गलत होगा, इसलिए भाई अमरजीत जी ने मांग की है हॉर्टिकल्चर कॉलेज की, उसकी घोषणा करता हूं। साथ ही धर्मा एयरपोर्ट के बारे में महाराज ने भी बताया है, अमरजीत भाई मांग की, सरगुजा की मांग है कि एयरपोर्ट संचालित हो,
हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से जगदलपुर संचालित हुआ है, उसी प्रकार से हमारा दरिमा एयरपोर्ट भी संचालित हो, यह हम लोगों का प्रयास रहेगा। साथ ही मैन पार्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट, जिस प्रकार से राम वनगमन को हम लोगों ने अभी इसकी शुरुआत की है, उसी प्रकार से यहां हमारे पास छत्तीसगढ़ में एक मैन पार्ट है, दूसरा सिरपुर है, जो बौद्ध कालीन वहां से निर्माण हुआ, लेकिन यहां तो बौद्धिस्ट लोग आकर रह रहे हैं। इस दोनों को डेवलप करने की आवश्यकता है। साथ ही एक और मांग भाई अमरजीत ने की, चूत को कहा गया ये बायोडायवर्सिटी पार्क मेन पार्ट, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। महाराज साहब पिछले 6 अक्टूबर को हम लोगों ने शिलान्यास और लोकार्पण किया था, उस दिन आपसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। वहां विधायक लोगों ने मांग की थी कुछ सड़कों की, तो यहां कुछ सड़क की सूची है मेरे पास, उन सड़कों के और निर्माण कार्य की बात नहीं करता, लेकिन सरगुजा में सड़कों का जाल बिछाना बहुत जरूरी है, पुल पुलिया बनाना जरूरी है। वो सारे काम जो हमारे ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ते हैं, जो जिला मुख्यालय को जोड़ते हैं, संभाग मुख्यालय को जोड़ते हैं, राज्य को जोड़ते हैं, उन सड़कों का भी निर्माण हम लोग करेंगे, प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। और आपके ये जो मार्ग बनारस जाने वाली जो मार्ग है, उसका भी हम लोगों काम करेंगे। यदि भारत सरकार उसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं करती, तो छत्तीसगढ़ सरकार उस सड़क को बनाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए, दो दिन से आप लोगों ने साथ में रहकर जहां गौठान का निरीक्षण किए, जहां स्कूल का निरीक्षण किए, जहां धान खरीदी केंद्र गए, वहां सब साथियों ने जो सहयोग दिया है, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बड़ी संख्या में आप सब आए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्य। तो सीधी तस्वीरें आपने देखी अंबिकापुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे थे। उन्होंने करोड़ों की सौगात वहां की जनता को दी। और अब खबर आपको बता रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के बनने के 2 वर्ष बाद कितना बदला है उत्तर छत्तीसगढ़, और सरगुजा जिले में किस तरह से लिखी जा रही है विकास की नई इबारत, जिले वासियों की क्या मांग पूरी हुई है, जिले वासियों को क्या क्या मिली है सौगातें, और आज यही सब कुछ जानने की हमारी इस विशेष रिपोर्ट सजता सवरता तरक्की करता सरगुजा में। आइए देखते हैं कि कैसे सरगुजा गढ़ रहा है नवा छत्तीसगढ़।